बिहार बोर्ड इस बार भी परीक्षा रिजल्ट को लेकर सुर्खियों में है। जा सकता है कि बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है बिहार बोर्ड ने। लगातार परसों के बाद जिस तरह से सड़क पर छात्र हैं, परसों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, इंटर काउंसिल और बिहार बोर्ड पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की बात को अनसुनी कर दिया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन का घूंट पिलाया जा रहा है कि हाँ इंटर काउंसिल फिर से एग्जाम लेगा, बिहार बोर्ड फिर से एग्जाम लेगा और री कॉपी की चेकिंग होगी। लेकिन कब होगी चेकिंग? अगर एक महीना के बाद चेकिंग होगी तो क्या उन लोगों का जो छात्र पास करेंगे, जो क्या उनका नामांकन हो पाएगा दूसरे कॉलेजों में, जो दिल्ली सहित विभिन्न जो देश के विभिन्न कॉलेज हैं वहां पर क्या एडमिशन हो पाएगा? इसका जवाब बिहार सरकार को देना होगा, बिहार बोर्ड को देना होगा। आप देख सकते हैं यह तस्वीर इंटर काउंसिल की, यह तस्वीर है बिहार बोर्ड का इंटर काउंसिल जो इकाई है वहां की तस्वीर है। बड़ी संख्या में छात्र सुबह से ही जमे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनको साथ देने के लिए AISF के जो कार्यकर्ता भी हैं वो लगातार यहां पर मौजूद हैं और छात्रों को जो छात्र परेशान हैं उनके साथ खड़े हैं। देख सकते हैं कई परिजन भी, जो कई छात्र के जो अभिभावक हैं वे भी यहां पर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर आप लोग क्यों यहां पर आए हैं, बताइए। मेरे बच्चे का सब चीज ठीक है हिंदी में, उसमें जो है सर मैंने 30 नंबर दे दिया, 9 नंबर 6 नंबर के लिए उसको क्रॉस किया गया, जबकि बच्चा मेरा गरीब है। हम किसी तरह पढ़ाते हैं, फिर ऐसा क्यों? हम गांव का लोग हैं, आज कोई कोई बच्चा मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो बच्चा है, क्या वो माँ है, क्या वो मास्टर है या सरकार है? हमको इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, यह दर्द एक माँ का दर्द है जिसका बेटा 6 नंबर से फेल कर गया है। तो देख सकते हैं यह तस्वीर है, मैं दिखाना चाहता हूँ, यह तस्वीर देखिए, इसमें सभी सब्जेक्ट में फेल दिखाया गया है। क्या यह लड़की जिसका दावा था कि फर्स्ट डिवीजन में पास करेगी, उसको सभी सब्जेक्ट में फेल बिल्कुल कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर गुस्सा बिल्कुल जायज है इन छात्रों का गुस्सा, क्योंकि यहाँ पर अगर पूरे सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, और जो बच्चे होते हैं जब वो एग्जाम देने जाते हैं उन्हें ये पता होता है कि उनका क्या रिजल्ट हो सकता है, कैसा उनका एग्जाम गया है, और ऐसे भी इसी वजह से शायद इन छात्रों का और इन जो परिजन उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है। आप देख अरे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे ये वाट नीचे है, 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 हम अपना अधिकार मांगते हैं। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, बिहार में शिक्षा की लुटिया तू बने पढ़ लिखी सुहार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सब चौधरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मुल्लांकन हम ले कहेंगे, ये होगा कि सरकार कब इनकी बात सुनती है, और जब सुनती है तो क्या होता है इनका भविष्य, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।